तो क्या द किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान को डॉन फ्रेंचाइजी से निकाल दिया गया है? तो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले डॉन 3 का अनाउंसमेंट या फिर ट्रेलर या फिर टीजर वीडियो रिलीज हुआ है, जिसमें हमें रणवीर सिंह एज अ डॉन नजर आते हैं। अब इससे पहले शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े एक्टर्स ने इस कैरेक्टर को प्ले कर चुका है। और इसी अनाउंसमेंट से रिलेटेड फरहान अख्तर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर ये पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि वो अपनी फ्रेंचाइजी को आगे ले जाना चाहते हैं, जिसमें हमें रणवीर सिंह देखने को मिलेंगे। अब इस छोटे से अनाउंसमेंट वीडियो को लेकर तो इस पूरी मूवी को जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बस चाय कम पानी ही था। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इस वीडियो का जो वाइब्रेंट कलर हमें देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं हीरोपंती 2 जैसा कचरा ना कर दें, क्योंकि इस तरह की मूवी हल्की सी लो सैचुरेटेड और हाईली कॉन्ट्रास्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल अगर साहो को ले ले तो उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, और डॉन 2 में भी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं होती, थोड़ी सी लो सैचुरेटेड होती है। खैर, इस ट्रेलर या फिर अनाउंसमेंट को लेकर आपका क्या ओपिनियन था, ये कमेंट करके ज़रूर बताना।